बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, जिसने राष्ट्रीय दल बनने के बाद आज से ही कमर कस ली है, जिनका टारगेट अब 2024 का चुनाव है। आज आम आदमी पार्टी दफ्तर में जबरदस्त तरीके से जश्न मना, तो वहीं 2024 के चुनाव के लिए हुंकार भी भरी गई। गजब ही हो गया, अद्भुत। मतलब ऊपर वाला कुछ कराना चाह रहा है हमसे। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से सरकार चलाई भी जा सकती है और सफल सरकार चलाई जा सकती है। माता की 2024 की जंग में अब एक नई नेशनल पार्टी की एंट्री हो चुकी है। आप दफ्तर में खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डांस हो रहा है। आम आदमी पार्टी की रणनीति तैयार है, निशाने पर 2024 का लोकसभा चुनाव है। नेशनल पार्टी के जश्न के साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसके संकेत भी दे दिए, जहां इशारों ही इशारों में उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर तंज कसा है। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं, देश की तरक्की रोकना चाहती हैं। वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। पहली बार इन सबको, सबसे बड़े नेता को एक फर्जी क्लास में ले जाके बिठा दिया हम लोगों ने। वो पता नहीं असली स्कूल में गए कि नहीं गए, लेकिन इस जिंदगी में उनको एक दिन असली स्कूल में भी भेजेंगे। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।